कंप्यूटर या लैपटॉप वाले ऐसे, मोबाइल वाले ऐसे, और वीडियो देखते देखते ऐसे। सब्सक्राइब करना ना भूले हमारा यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट और नए वीडियो अपडेट्स पाने के लिए क्लिक करें बेल आइकॉन पर। सबसे पहले मोटो जी को पार्ले जी समझने वालों के लिए 21 तोपों की सलामी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त अविनाश, और आज हम बात करने वाले हैं नोकिया 6 और मोटोरोला G5S प्लस के बारे में, कि हमें कौन सा मोबाइल जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा लेना। मतलब अगर आप ऐसे दो आदमियों के बीच में फंस जाते हैं जो एक नोकिया का सपोर्टर है और एक मोटोरोला का सपोर्टर है, तो दोनों आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आप कौन सा मोबाइल लें। तो यहाँ पर हम जो हैं अभी सबसे पहले चलते हैं इनकी हिस्ट्री पे। तो अगर दोनों की हिस्ट्री आप निकाल के देखो, एक पन्ना पलट के देखो, तो आपको पता चलेगा कि नोकिया 6 की हिस्ट्री भी बहुत अच्छी रही है और मोटोरोला की जो भी हिस्ट्री है वो भी बहुत अच्छी रही है। मतलब कि दोनों ने एक टाइम में इंडियन मार्केट में धूम मचा दी थी, और अभी भी फिर से वो समय है जब दोनों ने इंडियन मार्केट में धूम मचा कर रख दिया। तो यहाँ पर नोकिया लवर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, मोटोरोला के लवर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर आपको जो है कुछ हाईलाइटेड चीज़ बताएंगे जिसके थ्रू आप एक फैसला कर पाएंगे कि आप कौन सा जो है मोबाइल फ़ोन यहाँ पर ले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमने यहाँ पर मेन तीन हाईलाइट रखा हुआ है। तो पहला हमने रखा हुआ है यहाँ पर अवेलेबिलिटी पर, दूसरा हमने रखा हुआ है डिवाइस परफॉर्मेंस पर, और तीसरा रखा हुआ है हमने ट्रेंड पर। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ने से पहले एक बार ये चर्चा कर ले प्राइस के ऊपर, तो प्राइस जो है वो हमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता, केवल 1000 का डिफरेंस मिलता है। मतलब नोकिया 6 में आपको 15000 रुपये और मोटो G5S प्लस आपको जो है वो 16000 रुपये मिल जाता है। मतलब कि बस आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा देना है और आप जो है मोटो G5S प्लस भी बाय कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले अवेलेबिलिटी की। तो कौन सा मोबाइल जो है इजिली अवेलेबल है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है नोकिया 6 के लिए आपको फ्लैश सेल में जो है जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लेकिन मोटो G5 प्लस आपको इजिली जो है अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि अब हो सकता है अगर आज के डेट में आपके पास पैसा हाथ में है और अगर आप जल्दी जल्दी मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो कौन सा मोबाइल आप ले। साथ में बात करते हैं डिवाइस परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर डिवाइस परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पर आपको डिवाइस परफॉर्मेंस में मिल जाता है। सबसे पहले अगर हम मोटो में बात करें तो यहाँ पर आपको जो है स्नैपड्रैगन का 625 मिल जाता है, और यहाँ पर जो है नोकिया का आपको 430 मिलता है। दैट मीन्स यहाँ पर भी जो है देख सकते हैं हम किस तरह से कंपैरिजन यहाँ पर अपन कर सकते हैं डिवाइस के बेस पर। इसी के बाद और अगर आगे चलते हैं तो काफ़ी चीज़ जो कॉमन है, जैसे कि अगर आप फिंगरप्रिंट ले लें, ये ले लें, लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रैम और रोम की, तो यहाँ पर आपको जो है मोटो में मिल जाता है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, लेकिन नोकिया में आपको 3GB रैम और यहाँ पर जो है 32GB स्टोरेज यहाँ पर आपको मिलता है। अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी आपको दोनों में जो है बराबर मिलती है। तो यहाँ पर जो है कुछ कुछ चीज़ें एडवांसमेंट, अगर आप देखें एडवांसमेंट भी बोल सकते हो आपकी कुछ कुछ चीज़ें मोटो में ज़्यादा है। इसी के साथ अगर आप बात करते हो यहाँ पर ट्रेंड का क्या बात है, तो देखिए अभी यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पर अब ट्रेंड आया है आपको डुअल कैमरा का। तो डुअल कैमरा का अगर ट्रेंड यदि लोगों को आप दिखाना चाहते हैं अच्छा बजट में, यहाँ पर अगर डुअल कैमरा लेना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा है। मोटो का जो फ़ोन है वो काफ़ी अच्छा है डुअल कैमरा के लिए, आप ले सकते हैं, कोई इसमें शक की बात नहीं है। हल्का सा सॉफ्टवेयर इशू है, लेकिन हल्का सही है, लेकिन उसके बाद भी जो है आप यहाँ पर ले सकते हैं मोटो का G5S प्लस। तो यहाँ पर आप जो है मोटो का G5S प्लस ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा ही है। और यहाँ पर जो है नोकिया में भी आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप कैमरा परफॉर्मेंस की बात करते हैं, आप एक सेल्फी लवर हैं, तो आपको जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है मिल जाती हैं। फ्रंट की बात करें तो यार यहाँ पर 2 मेगापिक्सल मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर एडवांसमेंट देखिए मोटो में भी आपको जो है LED फ्लैश जो है वो ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक ब्रांडिंग देखते हैं, मतलब कि एक आप नोकिया लवर हैं या ब्रांड बेस आप चूज़ करते हैं, बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कि ब्रांड पे बेस्ड हैं, मतलब कि वो चाहते हैं कि हम ये नोकिया ही लें, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज़ मैं भी ब्रांड लवर हूँ, मुझे नोकिया नाम ही बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने 2009 में यूज़ किया नोकिया 3500, उसके बाद नोकिया 5233 यूज़ किया, उसके बाद नोकिया लूमिया यूज़ किया, बट अभी मैं नोकिया यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि हमें डिवाइस की परफॉर्मेंस पर भी जानी चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंडेड करूँगा कि मोटो G5S प्लस ही आप ले, जो कि ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर फ्यूचर में और बहुत सारे फ़ोन्स आने वाले हैं। तो दोस्तों मुझे बताइए आप मुझे नीचे कमेंट करके कि आप कौन सा मोबाइल जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तब तक के लिए मैं अविनाश मौर्य सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।